प्रदेश की खास खबरों के साथ। मुजफ्फरपुर जिले के नगर निगम क्षेत्र में हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के आनंद पटेल ने जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए सभी तरह के टैक्स का जबरन वसूली के कारण अमृत अनशन शुरू कर दिया है, क्योंकि शुरुआत में उन्हें मुजफ्फरनगर जिले के लोगों का उतना समर्थन नहीं मिला जितनी उनको अपेक्षा थी। लेकिन बाद में युवा समाज कार्यकर्ता सावन पांडे के हस्तक्षेप के बाद वहां आने वाले नेताओं का तांता लग गया। हर एक घंटे पर कोई न कोई नेता अनशन का समर्थन करने पहुंच रहा है। सबसे पहले अनशन को समर्थन कर सावन पांडे ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि जल्द ही इस अमरण अनशन को समाप्त कराया जाए और ट्रेड लाइसेंस पर लगाने वाले टैक्स को फिलहाल वापस लिया जाए। धरना प्रदर्शन आज आनंद पटेल भैया के द्वारा 9 दिनों से चल रहा है और ये जो धरना प्रदर्शन है इसमें अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे हैं और ये अमानवीय रूप दिखाता है जिला प्रशासन का और मुजफ्फरपुर के जिला के जनप्रतिनिधियों का। आज हम भारत हमारा आज़ाद हो चुका है, लेकिन मुझे ये कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि हम लोग आज़ाद भारत के गुलाम जिला के नागरिक हैं। मुजफ्फरपुर एक गुलाम जिला है जो कि 30 वर्षों से मुजफ्फरपुर के बागड़ बिल्ले जनप्रतिनिधियों के हाथों में गुलाम पड़ा हुआ है और यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि के अंतर्गत ब्यूरोक्रेट्स आते हैं इस जिला को चलाने के लिए वो निरंकुश होकर के इस जिला को चला रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि खुद लूटने में बेचैन हैं, खुद लूटने में लगे हैं, अपने बाल बच्चों को बनाने में लगे हुए हैं और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स खुद यहाँ के हाल को दुर्दशा में तब्दील करने में लगे हुए हैं। ये अमानवीय चेहरा है यहाँ के जिला प्रशासन का और जिला जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि एक व्यक्ति 9 दिन से भूखा पड़ा है और संज्ञान लेने के लिए और वो लोग मीडिया को मैनेज कर रहे हैं तरह तरह से, वो तरह तरह से चाह रहे हैं कि ये बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये क्रूर चेहरा दिखा रहा है यहाँ के जिला प्रशासन का और जिला जनप्रतिनिधियों का। मैं इस बात के लिए मैं आनंद पटेल भैया का समर्थन करता हूँ, पुरजोर समर्थन करता हूँ। अगर 2 से 3 दिनों में यह मामला अगर नहीं सुलझाया गया तो एक इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि पटना संभालना मुश्किल हो जाएगा, मुजफ्फरपुर तो छोड़ दीजिए। क्या लगता है कि जितने भी नौकर साहब बैठे हुए हैं चाहे जो भी लोग इस मामले में सम्मिलित हैं वो इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो लोग संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि 9 दिन से हमारे एक भाई, बड़े भाई भूखे सो रहे हैं, अनशन में हैं और वो पूछने नहीं आ रहे हैं, वो मामले को सुलझा नहीं रहे हैं। यूजर टैक्स का मामला है, ये ट्रेड लाइसेंस का मामला है, ये पानी का टैक्स का मामला है, ये सफाई का मामला है। आप कहाँ साफ पानी दे रहे हैं, आप कहाँ साफ सफाई कर रहे हैं? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। तो कोई तो अभी जो जिला की स्थिति है, हम लोग मुर्दा पड़े हुए हैं और इस मुर्दे के जिले में कोई जिंदा व्यक्ति आकर के आवाज़ उठा रहा है, आनंद पटेल भैया आवाज़ उठा रहे हैं, तो इनका समर्थन हम लोग कर रहे हैं और भी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, नम्र निवेदन है कि आए समर्थन करें। ये नहीं होगा कि आज आनंद भैया के साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, तब उठ करके आएंगे। ये सबकी लड़ाई है, हाथ को मजबूत करें और बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहें। क्या लगता है आपको, टैक्स नहीं देना कहाँ तक सही है? टैक्स देना सही है, लेकिन सुविधा भी तो दीजिए। सुविधा दीजिएगा तभी ना टैक्स लीजिएगा भाई, अब बिना सुविधा देले ही टैक्स ले लीजिएगा। कहाँ साफ सफाई शहर में दिखता है? चारों ओर से गुजरिएगा तो नाक पर कपड़ा रख करके जाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर जिला नगर निगम और ये जिला पहला ऐसा अजूबा जिला है जहाँ पे 10 बजे सुबह सफाई होता है, बच्चे स्कूल जाते रहते हैं।